दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय अनघा एस्थेटिक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हिंगरघाट शहर में बड़े पैमाने पर धूमधाम से तानापोला मनाया गया। शहर में जगह जगह आकर्षण का केंद्र बने सजावटी नंदी। बच्चों ने इस स्पर्धा में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। तानापोला पूरा शहर के कई इलाकों में मनाया गया, जिसमें करंजा चौक, डांगरी वार्ड, काजी वार्ड और शास्त्री वार्ड में अविनाश नवर खेले मित्र परिवार की ओर से आकर्षक नंदी को देखकर प्राइज दिए गए। बीते 2 साल कोरोना काल के बाद बच्चों में स्पर्धा में हिस्सा लिया, साथ ही बच्चों के परिजन ने तानापोले का आयोजन लिया। साथ ही अलग अलग नाश्ते की दुकान आकर्षण का केंद्र बनी। इसी के साथ छोटे बच्चों के खेलने के खिलौने और बहुत सारी दुकानें आप इस समय तस्वीरों में माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह तानापोला हिंगनघाट शहरवासी आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कारंजा चौक पर तानापोला बीते 25 सालों से होते आ रहा है, जो हर साल आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। 2 साल का बीता, कोरोना काल गया, उसके बाद में आज हिंगनघाट शहर के अंदर में तानापोला मनाया जा रहा है और बच्चे जो है तानापोले के समय पे यहाँ पर एक उत्सुकता, एक खुशी का माहौल यहाँ पर उन्हें हम देख पा रहे हैं। इस समय की आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे तो आज हिंगनघाट शहर में एकमात्र ये कारंजा चौक ऐसा है जहाँ पर परिवार के साथ में बच्चे आकर खुशियों का एक आनंद लेते हैं। तो बीते दो साल के बाद में आज कोरोना के बाद यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इनके परिवार के माता पिता यहाँ पर मौजूद है, तो हम उनसे जानेंगे कि किस समय का, किस तरह आज उन्हें खुशी मिल रही जो कि 2 साल के बाद में यहाँ पर पोला मनाया जा रहा है। मेरा नाम है दीपक जादव। 2 साल के बाद पोला बच्चों का लगा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बच्चों को कहीं घूमना नहीं हुआ, मिला नहीं उनको, खुशी मनाने का मौका नहीं मिला, तो अच्छा लग रहा है। बच्चे खेल रहे, आ रहे, इधर घूम रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने आपने प्रतिक्रिया जानी कि किस तरह खुशी के माहौल में हिंगनघाट शहर में कारंजा चौक पे पोला मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ पोला कमेटी के जो अध्यक्ष है वो बने हुए हैं और 2 साल के बाद में आज जो ये ताना पोला मनाया जा रहा है, तो हम उनकी आज प्रतिक्रिया जानेंगे कि वो किस उत्साह के साथ इस पोले को मना रहे। 2 साल बाद कोरोना के बाद में पहले तब यहाँ पे पोला उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छे से यहाँ दुकानें सजाई गई है और मेरे साथ में मेरे उपाध्यक्ष राजबाबू रेलवार भी खड़े हैं यहाँ पे और वर्मा जी वगैरह सब खड़े हैं यहाँ पे। बहुत उत्साह के लोग यहाँ के बच्चों में और यहाँ के पब्लिक में है। कार्यकर्ता कमेटी के अब सब में बड़ा हिंगनघाट का कार्यालय चौक का ये पोला भरता है। हमें बहुत खुशी है इस साल पोला भर रहा है जा रहा है। तो जो ताना पोला है जो चैनल के माध्यम से इस समय अभी हिंगनघाट शहर की जो पब्लिक देख पा रही है, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शांति प्रिय ये पोला मनाया जाए, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाए, यही मेरी शुभकामनाएं सबको, हार्दिक शुभकामना पोले के देता हूं मैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन सलीम शेख के साथ आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। हिंगनघाट कारंजा चौक स्थित यहां पर ब्रेकफास्ट की दुकानें, तरह तरह की नाश्ते की दुकानें, तो ऐसे ही एक दुकानदार से हम चर्चा करेंगे कि उन्हें 2 साल कोरोना के बाद, बीते 2 साल के बाद में यहाँ पर दुकान लगाए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से सब बंद था इसलिए इस साल लगाए और सब अच्छा हो रहा है, अच्छा पोला भरने वाला है। तो ऐसे यहाँ पर तरह तरह के व्यंजक हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखा पा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर पोला मन रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन सलीम शेख के साथ आसिफ कुरैशी। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।